अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौमी असेंबली में अचानक से लाइट चली जाती है और वहाँ पर असेंबली मेंबरान क्या नारे लगाते हैं और किस किस्म का माहौल देखने को मिलता है। पूरे पाकिस्तान में ही लोड शेडिंग का एक माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक हैं कि आने वाला वक्त यानी गर्मियाँ आवाम के लिए मुसीबत बन सकती हैं। अगर इस जगह पर जहाँ पार्लियामेंट है और जहाँ आवाम के नुमाइंदे आकर बैठते हैं वहाँ भी इस किस्म की लोड शेडिंग हो रही है तो आम पब्लिक के लिए क्या मुसीबतें उठने वाली हैं, जल्द ही मालूम हो जाएगा। आज की वीडियो ज़रा देखिए, लाइक लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों, नारे लगाए गए लोड शेडिंग नामंजूर, लेकिन नारों से शायद इतना काम ना बने जितना कोशिशों से बन सकता है। अवाम को चाहिए कि वो भी इस मामले में हरकत में आए और साथ ही साथ पार्लियामेंटेरियंस को भी चाहिए कि इस चीज़ के मुतालिक हरकत में आकर लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। खैर, जहाँ बहुत से दूसरे एहतजाज फ्लॉप हो रहे हैं, यहाँ ये लगता है कि ये एहतजाज भी किसी काम का नहीं होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आज की वीडियो के मुतालिक आप राय दीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लें।